नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं हूं मोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूं स्किन टाइटनिंग के लिए एक बेहतरीन फेस पैक, जिसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 3 से 4 बार अगर करते हैं तो आपको रिजल्ट बेहतरीन और लाजमी मिलेंगे। आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूं नेचर्स तत्वा का प्रोडक्ट। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल हम करेंगे। दोस्तों इतने प्यारे लोग हैं ना ये, मुझे बड़े पसंद आते हैं ऐसे लोग। इतनी बड़ी पैकिंग कोई देता है क्या? आप सोचिए कि आप जानते हैं मैं ना जिस प्रोडक्ट को अच्छे से पहले इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट ना पा लूँ मैं कभी भी उसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ। तो मैं लगभग एक महीने में आपने कितने फेस के वीडियोज देख लिए हैं, फेस पैक होम रेमेडीज कितनी देखी हैं मैंने। वो येलो वाला बॉक्स जो आप देखते हैं ना, वो येलो वाले बॉक्स में इसी को डाल के रखा था क्योंकि मुझे पहले इसका इस्तेमाल करना था तभी आपके साथ शेयर करना था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आसानी से ले सकते हैं, मतलब डायरेक्ट साइट पे जाके भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको ठीक लगे। दूसरा जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो रेड सैंडल पाउडर। दोस्तों इसकी भी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब लगभग 250 रुपये के आसपास पड़ता है, लेकिन मैं आपको इसकी खास बात ये बताती हूँ कि ये रेड सैंडल पाउडर जो होता है ना वो आसानी से अच्छा प्योर जो होता है वो कहीं नहीं मिलता है। यकीन मानिए मैंने कम से कम 6 से 7 ब्रांड इस्तेमाल किए हैं पहले। इस्तेमाल करने के बाद मतलब आपको ना ऐसा फील आ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट में से खुशबू आ रही है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सब जांच परख के मैंने मतलब ये पाया है कि ये वाला प्रोडक्ट काफ़ी फ्रेंडली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रेड सैंडल पाउडर जो होता है उसको गुलाब जल और विटामिन ई के साथ मिक्स करके आप हफ्ते में 4 बार अगर लगाते हैं ना आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ जो ऐसी स्प्रे वाली बॉटल होती है ना मुझे उससे स्टाइल मारने में ना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो ये वाला मतलब इतना ऐसा बड़ा अच्छा सा फील आ जाता है ना कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि इस टाइप की स्किन वालों आप स्प्रे बॉटल से ऐसे ऐसे कर लो और स्टाइल मार लो। तो आज हम ये स्टाइल भी मारने वाले हैं। चौथे प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई जो होती है ना, विटामिन ई ऑयल जो होता है वो चेहरे के लिए बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका इस्तेमाल मैंने अपने चेहरे पे किया है, बालों पे किया, बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। तो ये ना मुझे काफ़ी ट्रेवल फ्रेंडली भी लगा। और आप जानते हैं कि ऑयल मतलब फेस पे ऑयल लगाना तो ना मेरा फेवरेट काम है। रोज़ वाटर और ऑयल मैं अपने फेस पे और बालों में ऐसे लगाती हूँ ना, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ना मैं अपने बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो जब भी मैं फ्री बैठी होती हूँ ना तो मैं यही सब काम करती हूँ। तो चलिए मैं आपको इन प्रोडक्ट से पहले फेस पैक बना के दिखाती हूँ, फिर मैं बता के दिखाती हूँ आपको, बना के दिखाने के बाद मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इस्तेमाल करना है। वीडियो आपने देखना है ध्यान से क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस भी होंगी और आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स भी होंगी। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। अब हमारा पहला स्टेप जो है वो बड़ा मज़ेदार है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपके पास स्प्रे की बॉटल आती है ना तो मतलब मुझे ऐसे लगता है अच्छा वाला एटीट्यूड आ जाता है। ये देखो इस तरह से आपने स्टाइल मार लेना है। आहा ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना गुलाब परी हो गई एकदम से। क्या खुशबू है यार, मज़ा ही आ गया। माय गॉड मुझे गुलाब जल बहुत पसंद है जैसा कि आप सब जानते हैं। इसको थोड़ी देर अपने स्किन के अंदर जाने दीजिए अच्छे से। उसके बाद आपने लेना है विटामिन ई ऑयल, ठीक है। आपने इस तरह से ले लेना है थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल। ये देखो दिख रहा है, ये देखो इस तरह से आपने उसको हाथों पे करना है गरम इस तरह से। परवर्ती थोड़ी थिक होती है इसकी तो आपने मतलब क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह से रोज वाटर के ऊपर उसको लगा देना। थोड़ा ऐसे थिक जैसा फील आएगा लेकिन वो आपकी स्किन को टाइट करने में मदद करेगा, इसलिए आपने ये लगाना ही लगाना है। गर्दन वाला पार्ट नहीं छोड़ देना है, इस तरह से आप सारा लगाएं। तो ये पैक बनाने के लिए ये देखो ये मैंने सामान ले लिया है। तो मैंने ना ये वाला जो सारा सामान है ना ये लगभग 800-850 के आसपास ऐसे मुझे पड़ा था। मैं लिंक आपको जैसा कि मैंने बताया मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, ये मैंने अमेज़ोन से ही लिया है।
ये वाला पैक स्किन टाइटनिंग के लिए है। तो आज ना जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि मुल्तानी मिट्टी के साथ किस तरह किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई की वैसे कैप्सूल्स आप हमेशा देखते हैं कि मैं वही लगाती हूँ, तो रोज़ वाटर और विटामिन ई तो मैंने एक महीने में ख़त्म कर दिया है। ये रेड सैंडल पाउडर है, लाल का चंदन का पाउडर है, ये आसानी से नहीं मिलता है और प्योर मिलना तो बहुत मुश्किल है। ये भी देखो, ये पूरा भरा हुआ था, ऑलमोस्ट मतलब आधे से भी थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये एक्चुअली इनकी ना क्वांटिटी काफी ज्यादा है। नेचर तत्व की ना एक और खास बात है कि जब वो प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो मतलब इंडियन स्किन को बड़ा हिसाब में मतलब देख तोल मोल के बनाते हैं कि भाई हमारी स्किन किस टाइप की है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो मैंने ये इसका जो मुझे रिजल्ट मिला है ना वो इतना बेहतरीन मिला है। तो आज हम जो पैक बनाने वाले हैं उसका ना मतलब बहुत अच्छी सी विधि है, तो आपने वो सब चीज़ें फॉलो करनी है और उसी हिसाब से आपने बनाना है। स्किन टाइटनिंग के लिए है तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो हम लेंगे एक चम्मच इस तरह से, सैंडल पाउडर जो है चंदन पाउडर, ये भी ना बहुत मतलब इसमें से खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है अगर आप देखेंगे ना, इसका हम लेंगे आधा चम्मच इस तरह से। और चम्मच ना एक का दूसरे में ऐसे बिल्कुल ना करें क्योंकि सारे प्रोडक्ट आपके ख़राब हो जाएंगे उससे और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, इसको हम घोलेंगे रोज़ वाटर में। तो जितने की आवश्यकता है हम साथ साथ में मिलाएंगे, साथ साथ में खोलते जाएंगे ताकि ज़्यादा कम ऐसा कुछ ना हो जाए। ये ना कांच की बॉटल दी है इन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांच प्लास्टिक से ज़्यादा ऐसा कोई लिक्विड होना तो वो होना चाहिए कांच की बॉटल में, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है विटामिन ई। विटामिन ऑयल जो होता है ना वो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसकी भी आपने अंदाजन 2-3 बूंदें इस तरह से मिला लो। देखो हर टाइप की स्किन के लिए ये लग सकता है, हर टाइप मतलब ऑयली ड्राई कील मुहासे हैं या पिंपल्स हैं, पिंपल्स के दाग हैं, खड्डे जिनके हो गए हैं ना उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और यकीन मानिए ये जो प्रोडक्ट है ना मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है, इसी तरह से मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि मैं ऐसे ही किसी प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करती हूँ। स्किन जब सैगी हो जाती है ना तो एक परेशानी जो होती है सबसे बड़ी वो ये होती है कि जो लाइनें बन जाती है ना स्किन पे वो ऐसे, ये देखो यहाँ जो बनती है ना इसके अंदर ना काला काला भर जाता है, ठीक है, तो वो निकलता नहीं है। उसके लिए हमें इस तरह का पैक बनाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता रही थी कि ये जो लाल चंदन पाउडर है ना इसकी खास बात मैंने एक पैक आपको बता दिया है कि सिर्फ विटामिन ई और उसके साथ आप रोज़ वाटर में मिक्स करके अगर आप इसको हफ्ते में 4 बार लगाते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप इसको स्किन टाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैसा पैक मैंने आपको अभी बना के दिखाया है आपने ऐसा ही बनाना है और मात्रा ऐसे ही रखनी है। पहला प्रिकॉशंस आपके लिए ये है, लगा के बोलना नहीं है, कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट ये लगा के रखें। ये मैंने बता दिया आपको कितना टाइम तक आप लगा के रख सकते हैं। ठीक है, उतारना है जब तब आपने क्या करना है, इसको जैसे 15-20 मिनट तक रहने देंगे ना तो वो ड्राई हो जाता है, ड्राई होता है तो खिंचाव आता है। अगर आपकी मतलब एज 40 से ज़्यादा है तब आपने क्या करना है, आपने ये वाला जो पैक लगाया ना इसके ऊपर जब ये ड्राई हो जाए रोज़ वाटर लेना है आपने और इस तरह से फिर से स्टाइल मार लेना है, उसको गीला कर लो ताकि वो थोड़ा और अंदर जाए। एक बार स्किन टाइट हो गई है, दूसरी बार स्किन टाइट हो गई, और टाइम है उसको फिर से सूखने दो, तीसरी बार रोज़ वाटर और इस तरह से फिर से चेहरे पे लगा लो। ठीक है, चौथी बार जब आप ये करेंगे तब आपने हल्के हाथों से मसाज करना है चेहरे को इस तरह से, और ध्यान रखें कि मसाज एकदम हल्के हाथों से होना चाहिए। मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से कर लेना है साफ, और बाद में थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लेना है आपने, ये देखो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा, और उसमें रोज वाटर मिक्स करके आपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है ताकि वो चेहरे के अंदर चला जाए
उसे स्किन टाइट करने में मदद मिलती है। और जिन लोगों को जैसा मैंने बताया कि खड्डों की प्रॉब्लम है चेहरे पे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप जरूर लगाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि फेस पैक का रिजल्ट आपको कैसा, कितना और कितने दिन में मिला। अच्छा जी दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया है, अब आप लाइक का बटन दबा दो। प्रश्न कोई भी हो, किसी भी तरह के हो, आप बिंदास पूछिए, मैं रिप्लाई करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सारे कमेंट मैं खुद पढ़ती हूं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज से एलर्जी है या आपको वो अपने बालों में या चेहरे में लगाना पसंद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। मोनिका यहाँ है आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आपने इसी तरह खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और हेल्दी रहना है। एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, एक्सरसाइज, फिटनेस, वेट लॉस के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, आप देखते जाइए और कमेंट करके मुझे बताते जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।